अस्सलाम वालेकुम, आमना दिनेश हियर। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस एन अमेजिंग टॉपिक। द टॉपिक इज कंजंक्टिव वर्ड्स। अब कंजंक्टिव वर्ड्स जो वर्ड्स है, कंजंक्टिव का वर्ड्स निकला है कंजंक्शन से। कंजंक्शंस वी हैव डन दैट द कंजंक्शंस आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब कंजंक्टिव जो वर्ड्स हैं उनका भी वही काम है जो कंजंक्शंस का था। इनका काम भी मिलाना है, दो चीजों में कनेक्शन का पैदा करना। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है, यहाँ पे जो क्लास में टू क्लॉजेस में जो टू सेंटेंसेस में आपस में लिंक और कनेक्टिविटी पैदा करेंगे, बट द वन कंडीशन इज दैट कि दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, कि दोनों चीजें जो है वो आपस में इक्वल क्वांटिटी में हो, इक्वल बैलेंस में हो। ठीक है, अब ये जिन टू सेंटेंसेस के दरमियान ये आपस में कनेक्शन पैदा करेगा, उनका दोनों का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। उनका आपस में इक्वल बैलेंस में और उनका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ वी हैव डन विद द सेंटेंसेस। अगर आप लोगों ने अभी तक भी टेंसेस क्लियर नहीं किए तो आपके साथ साथ वो रिपीट होते जाएं, क्योंकि इन सब को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों के टेंसेस का क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि वो कंजंक्टिव वर्ड्स, वो फाइव वर्ड्स हैं, वो कौन से वर्ड्स हैं और हमको इनको किस तरह से सेंटेंस में यूज करके अपनी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर को हम इसको इजीली इसको यूज कर सकते हैं और उसको बेहतर बना सकते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज वट एवर। वट एवर का मीनिंग होता है जो कुछ भी हो। जब सेंटेंसेस में इस तरह का वर्ड आ जाए जो कुछ भी हो, तो हमने उसके लिए एक वर्ड यूज करना है वट एवर। अब सेंटेंस देखें, जो कुछ भी हो मैं इस स्कूल में दाखिला लूंगा। अब यहाँ पे जो कुछ भी हो, ये नंबर फर्स्ट आ गया, जो कुछ भी हो, इसकी जगह तो हमने वट एवर का वर्ड यूज कर दिया है। बट बिफोर दैट वी हैड डिस्कस्ड दैट यू मस्ट हैव टू गो थ्रू द टेंसेस। ठीक है, मैं इस स्कूल में दाखिला लूंगा। गा कौन सा टेंस है, यहाँ पे फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। ठीक है, अब वट एवर की जगह आ जाएगा जो कुछ भी हो, हम यहाँ पे इसको करेंगे वट एवर। ठीक है, मैं इस स्कूल में दाखला लूंगा, वट एवर सो आई शैल टेक एडमिशन इन दिस स्कूल। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा कि वट एवर का वर्ड्स तो यूज हुआ है, वट एवर सो जो कुछ भी हो मैं स्कूल में दाखला लूंगा, तो इसको बाकी सेंटेंस को हमने किस में किया है, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में किया है। ठीक है, जो कुछ भी हो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यहाँ पे भी कौन सा टेंस यूज हो रहा है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस यूज हो रहा है। जो कुछ भी हो तो क्या आ जाएगा, जो कुछ भी हो करूंगा, फ्यूचर की बात हो गई है, सब्जेक्ट आए, अब इसमें वर्ब क्या है, हेल्पिंग मदद करना, और तुम्हारी यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जो कुछ भी हो व्हाट एवर सो आई शैल हेल्प यू। ठीक है, जो कुछ भी हो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वेयर एवर, जहां कहीं भी। ठीक है, एवर जहां कहीं भी, जहां कहीं भी हो सना वापिस आ जाओ, जहां कहीं भी हो को हम रिप्लेस करेंगे वेयर एवर से, सना वापिस आ जाओ। यहाँ पे कौन से टेंस की बात हो रही है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, तो हम इसको करते हैं सना, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, आ जाओ वर्ब वापिस ऑब्जेक्ट, जहां कहीं भी हो सना वापिस आ जाओ वेयर एवर सना, सेकेंड फॉर्म आएगी रिटर्न बैक। ठीक है, तुम जहां कहीं भी मौजूद हो अल्लाह ताला का जिक्र किया करो, यहां पे कौन से की बात आ गई है, जिक्र किया करो, यहां पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात आ रही है, तुम जहां कहीं भी मौजूद हो अल्लाह ताला का जिक्र किया करो, वेयर एवर यू प्रेजेंट रिमेंबर द
अल्लाह, ठीक है। वेयर एवर यू प्रेजेंट रिमेंबर द अल्लाह। थर्ड वन जो वर्ड है हमारे पास वो है हाउ एवर, तहम। ये भी जब हम दो सेंटेंसेस की बात करते हैं तो आपस में ये क्या है, एक इसका हम बेसिक जो इसको हम यूज करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हम एक तो रेपिटेशन ऑफ सेंटेंसेस को कंट्रोल कर सके, एक इनको कॉम्प्लेक्स बना सके, और एक जो शॉर्ट सेंटेंसेस हमें अगेन एंड अगेन यूज करने पड़ते हैं उससे हम छुटकारा हासिल कर सके। अब यह है ताहम का वर्ड हम यूज करते हैं ताकि दो चीजों को हम वही सेंटेंस में रबत भी, कनेक्शन भी पैदा करें, वही बात जो है वो कंटिन्यू भी हमारी रहे। मैं चला जाऊंगा ताहम अली आपका काम कर देगा। अब इसमें आएगा, इसको हम यहां पे कर देते हैं इन दिस को, मैं चला जाऊंगा। कौन से टेंस की बात हो रही है यहाँ पे? फ्यूचर की बात हो रही है। आई शैल गो बैक, मैं वापस चला जाऊंगा या मैं चला जाऊंगा। अब हाउएवर आ जाएगा, ताहम अली आपका काम कर देगा। आगे फिर फ्यूचर की बात हो रही है, हाउएवर अली विल डू योर वर्क, ठीक है। यहाँ पे सारी की सारी जो गेम है वो टेंसेस की है। जस्ट आप लोगों ने रिमेम्बर करना है कि इस जो ये कंजक्टिव वर्ड्स है इनका क्या यूज है, उनकी क्या मीनिंग है, उसको हम किस सेंस में यूज कर रहे हैं, ठीक है। अली ने सबा को मारा, ताहम वो एक नेक लड़का है। यहाँ पे सिंपल बात हुई है, एक नेक लड़का है। यहाँ पे किसी किस्म के टेंसेस की बात नहीं क्योंकि यहाँ पे एक्शन नहीं है, यहाँ पे टाइम नहीं है। अली ने सबा को मारा, ताहम ये क्या है, ये जो है ये टेंस है। अली ने सबा को मारा, अली बीट सबा, अली ने सबा को मारा। हाउ एवर अली इज अ ओबीडियंट, ओबीडियंट भी कह सकते हैं आप या गुड भी कह लें, गुड बॉय, ठीक है। जब कभी, वेन एवर, वेन एवर, जब कभी, जब कभी मैं चिड़ियाघर गया तो शेर देखूंगा। वेन एवर, जब कभी वेन वेन एवर आए चिड़ियाघर गया, यहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। आए went to zoo, शेर देखूंगा। went to zoo, I would see the zoo, sorry see the lion, ठीक है। जब कभी तुम लाहौर आए तो तुम मेरे घर आना। when ever तुम लाहौर आए, यू केम टू लाहौर, ठीक है, तो तुम मेरे घर आना। यू वुड, ठीक है, मेरे घर आना, कम टू माई होम या हाउस, ठीक है। द लास्ट वन है हु एवर, दिस इज फोर्थ वन एंड दिस इज फिफ्थ। हु एवर, जो कोई भी, यहाँ पे मर्द या औरत किसी की भी बात हो सकती है, ठीक है। जो कोई ये काम करेगा वो इनाम पाएगा, हमें नहीं पता कि वो मर्द है या औरत है, जो कोई ये काम करेगा वो इनाम पाएगा। हु एवर did this work, यहाँ पे ही आप लगा सकते हैं, will get the prize, ठीक है।
ठीक है, जो कोई बाहर जाएगा वो खाना लाएगा। Whoever, जो कोई भी बाहर जाएगा, whoever will go outside he खाना लाएगा, he will bring food, ठीक है। These are the conjunctive words, ठीक है। ये five words जो हैं, whatever, wherever, however, whenever and whoever। आज हमने इसके uses को भी clear कर लिए। मिलते हैं next video में, तब तक के लिए ना।